वेस्टइंडीज ने भारत को दूसरे वनडे में 6 विकेट से हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। वनडे सीरीज का आखिरी मैच 1 अगस्त यानी मंगलवार को खेला जाएगा। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक वेस्टइंडीज टीम ने बारबाडोस के कैस्टिंगन ओवल मैदान पर 6 विकेट से मुकाबला जीता। भारत के शुभमन गिल ने अपने 50वें इंटरनेशनल मैच में 2500 रन पूरे किए। वो इस साल भारत के टॉप वनडे स्कोरर भी हैं। टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 लगातार वनडे मैच जीतने के बाद हारी। टीम को आखिरी बार दिसंबर 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ इस फॉर्मेट के किसी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। तब चेन्नई में टीम को 8 विकेट से जीत मिली थी। तब से टीम ने भारत में 5 और अपने घरेलू मैदान पर 4 मुकाबले गंवा दिए और अब जाकर उन्हें जीत नसीब हुई। वहीं बात करें ईशान किशन की, तो किशन ने पार्थिव और सैमसन को पीछे छोड़ दिया है। भारत से ईशान किशन ने लगातार दूसरे वनडे में 50 लगाई। वेस्टइंडीज में 2 या उससे ज्यादा वनडे 50 लगाने वाले दूसरे ही भारतीय विकेटकीपर बने। उन्होंने इस मामले में संजू सैमसन और पार्थिव पटेल को पीछे छोड़ दिया है। दोनों के नाम वेस्टइंडीज में 1-1 50 है। ईशान से आगे अब सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी हैं, जिनके नाम वेस्टइंडीज में 3 50 हैं। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।